नमस्कार सभी को, मैं मत्तु केवल। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी पाठ परिसर अध्ययन भाग एक का पाठ क्रमांक 3 पानी संचयन। तो पानी संचयन की कौन कौन सी विधियां हैं और कैसे किया जाता है, तो इस पाठ के माध्यम से मैं आपको इसका वाचन करके सुनाने वाला हूं। तो आइए देखिए, इसमें दिया गया है, करके देखो। अपने आंगन में पत्थर तथा मिट्टी का एक छोटा सा ढेर टीला तैयार करो। इस टीले पर हजारे से इस प्रकार पानी डालो जैसे कि इस टीले पर वर्षा हो रही है। अब नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर निरीक्षण करो। तो हमें करना क्या है, देखिए कि टीला बनाया गया है और इस टीले पर ये देखिए लड़की जो है हजारे से पानी डाल रही है। इस पानी डालने वाले यंत्र को हजारा कहते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, देखिए पानी कहाँ से कहाँ बहता है। इसको आपको ध्यान देना है कि पानी, पहला प्रश्न है पानी कहाँ से कहाँ बहता है। तो पानी इसमें होगा क्या, पानी टीले के शिखर की ओर से तलहटी की ओर बहता है। तलहटी अर्थात नीचे की तरफ से बहेगा पानी, ये ऊपर से नीचे की तरफ से बहता जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, देखिए अधिक ढाल पर पानी कैसे बहता है। अधिक ढाल पर पानी कैसे बहता है, तो होगा क्या, अधिक ढाल पर पानी तीव्र गति से बहता है। अधिक ढाल पे पानी तीव्र गति से बहेगा। प्रश्न तीसरा है, इसमें कम ढाल पर पानी कैसे बहता है। तो कम ढाल पर पानी मंद गति से बहता है, मंद गति से बहता है, धीरे धीरे बहेगा। चौथा प्रश्न देखिए, पत्थरों द्वारा रुकावट आने के स्थान पर क्या होता है। तो पत्थरों द्वारा पानी के बहाव में रुकावट आने के स्थान पर क्या होगा, कुछ पानी बाहर की ओर बहने लगेगा। और अगला प्रश्न है, कौन से भाग में गड्ढे तैयार होते हैं। तो कौन से भाग में गड्ढे तैयार होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपको टीले के चारों ओर के कम ढाल वाले भाग में गड्ढे तैयार होंगे। जो कम ढाल वाला है वहां गड्ढे तैयार होंगे। अगला प्रश्न है, देखिए पानी के बहने की दिशा में कब परिवर्तन होता है। पानी के बहने की दिशा में कब परिवर्तन होता है, तो मार्ग में रुकावट आने पर पानी की बहने की दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा देखिए, यहां अब हम चलते हैं, अब टीले पर पानी डालना बंद करो। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पुनः निरीक्षण करो। तो पहले हमने इन प्रश्नों का निरीक्षण किया कि पानी जब हम हजारे से डालते हैं तो इसमें प्रश्न आया, देखिए, और इन प्रश्नों का उत्तर भी आपको खुद खोजना है। दूसरा मुद्दा है, देखिए अब टीले पर पानी डालना बंद करो, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पुनः निरीक्षण करो। पानी डालना बंद करने पर टीला तुरंत क्यों सूख गया, प्रश्न आ गया। देखिए अब इसका उत्तर आपको देना होगा, पानी डालना बंद करने पर पानी पर टीले द्वारा सोखना बंद हो गया, यानी उसका पानी सोखना बंद हो जाने के कारण टीला तुरंत सूख गया। दूसरा है, गीले टीले को सूखने में कितना समय लगा। तो गीले
तिले को सूखने में लगभग कितना समय लगेगा, ये तो आप जब निरीक्षण करेंगे तब आपको पता चलेगा। और देखिए, तिले का कौन सा भाग शीघ्र सूखता है, इसका निरीक्षण करने पे आपको पता चलेगा। तिले का ऊपरी भाग जो है बहुत जल्दी सूख जाएगा। किस भाग को सूखने में देर लगेगा, इसका निचला भाग जो है, निचले भाग को सूखने में तिले का पत्थरों वाला भाग जो है ये जल्दी सूखेगा, और तिले के मिट्टी वाले भाग को सूखने में क्या है, देर लगेगी। सूखने में देर क्यों, अब अगला प्रश्न है कि सूखने में देर क्यों लगती है। तो तिले के मिट्टी भाग को सूखने में अधिक समय लगा क्योंकि उस भाग में हजारे द्वारा पानी डाला गया और पानी अधिक मात्रा में यहाँ सूखा गया है, इसलिए इसको सूखने में देर लगेगी। तो ये जो क्रिया है हमें करके देखना है मिट्टी के द्वारा। तो आगे देखिए, तुम्हारे ध्यान में ऐसा आएगा कि वर्षा से मिलने वाला कुछ पानी जमीन पर बहता है, कुछ पानी जमीन में रिस जाता है। हमें मिलने वाला संपूर्ण पानी वर्षा से मिलता है। वर्षा प्रायः 3 से 4 माह होती है। हम लोग तथा सभी सजीव पूरे वर्ष भर इसी पानी का उपयोग करते हैं। यदि हम पानी का संचय नहीं करेंगे तो हमें पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा, इसलिए पानी का संचयन करना पड़ता है। पानी का उपयोग किफायत के साथ करना पड़ता है। आओ हम पानी संचयन की नवीनतम विधियां जानें। तो पहले तो इसमें नवीनतम विधियां डालने के बाद पुस्तक में दिया गया है कि पुरातन जल भंडार, यानी पहले जो है पानी को संचित करने के लिए कौन कौन से जल भंडार रहते थे। तो देखिए यहाँ चित्र दिया गया है। हमारे राज्य में पुरातन काल से पानी संचयन की कई विधियां प्रचलित थी। अब उनका अधिक उपयोग नहीं किया जाता, परंतु उनके अवशेष सब जगह दिखाई देते हैं। उनमें से कुछ तो अत्यंत सुंदर हैं, कुछ जल भंडारों का पानी कभी भी सूखता नहीं। तो पहला देखिए, यहाँ कुएं का चित्र दिया गया है। पहला है कुआं। ये पुरातन जल भंडार का साधन है। वर्षा का कुछ पानी रिसकर जमीन के अंदर चला जाता है, उसे प्राप्त करने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। और दूसरा देखिए है, पहला कुआं हो गया, अब दूसरा देखिए किले के तालाब और टंकियां। देखिए यहाँ चित्र दिया गया है सीनरी। किले पर तालाब किस तरह से था, तो पहले लोग किलों पर रहते थे, उन्हें पानी की आवश्यकता होती थी। किलों पर तालाब होते थे, साथ ही पत्थरों में खनी पानी की टंकी भी होती थी। तीसरा साधन है देखिए, कुइयां या छोटा कुआं। पीने का पानी प्राप्त करने के लिए पहले के समय कुइयां खोदी जाती थी। इनका घेरा कम होता था। डोरी से बनी हुई डोलची को कुएं में डालकर पानी निकाला जाता था। देखिए यहाँ ध्यान से, सांगली जिले में आटपाड़ी नामक एक गांव है। इस गांव में पहले प्रत्येक बाड़ी बस्ती में बाड़ी अर्थात बस्ती में कुइयां या छोटा कुआं थी। इन कुइयों में पूरे वर्ष भर पानी रहता था। समयांतर में इन गांव में नल द्वारा पानी की आपूर्ति होने लगी। इसके बाद कुइयों का उपयोग बंद हो गया, उन सभी को पाट कर बंद किया गया। अब उस गांव में बहुत ही कम कुइयां बची हैं। बहुत से गांव में ऐसा ही हुआ है, अर्थात गांव वालों ने किया क्या है, जो कुएं थे या छोटी कुइयां थी इनको पाट दिया, और पाटने के बाद वे नल के पानी पर निर्भर हो गए। ये प्राकृतिक साधन जो पानी का स्रोत था उसको इन्होंने बंद करके
अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया। पुरातन का चौथा साधन हम देखते हैं, नदी पर निर्मित बांध है, देखिए जिसे मेड़ कहते हैं। नदी तथा मेड़, नदी का पानी रोकने के लिए नदी पर पत्थर अथवा मिट्टी की मेड़े जिसे दोष बनाई जाती है। देखिए यहाँ पर ये नदी पर मेड़ या बांध ये बांधा गया है और इसको बांध करके पानी को यहाँ रोका गया है। पांचवा है देखिए पुराने तालाब। कम वर्षा वाले क्षेत्रों अथवा जिस क्षेत्र में बड़ी नदी ना हो वहां पहले तालाब निर्मित किए जाते थे। इनके निर्माण में पत्थर तथा चूने का उपयोग किया जाता था। तो नासिक जिले के चांदवड़ का एक तालाब है, देखिए किस तरह से इसको बांध चारों बाजू से घेर करके इसमें पानी को रोका गया। अब हम छठा पुरातन तत्व के देखते हैं, पुराने हाउस या कुंड। प्राचीन काल में पानी का संचय करने के लिए हाउस कुंड का उपयोग किया जाता था। मुख्य रूप से प्राचीन काल के बड़े शहरों में ऐसे हाउस हैं, उनमें से कुछ आज भी उपयोग में है। क्या तुम्हारे शहर में पानी का संचय करने वाली ऐसी पुरानी व्यवस्था है, इसको पता लगाना। देखिए औरंगाबाद शहर का हाउस है और इसको चारों बाजू से देखिए पक्का बनाया गया है और इस हाउस में पानी का संचयन किया गया है। अगला चित्र हम ध्यान से देखते हैं। शावनी और अमेय के घर में नल से पानी आता है। यहाँ उदाहरण दिया गया है, शावनी और अमेय के घर में नल से पानी आता है, इसलिए पूर्व काल से उपयोग में लाई जाने वाली घर की कुइयां के पानी का अब उपयोग नहीं किया जाता। इस कारण दादी बहुत चिढ़ गई है। दादी की चिढ़ दूर करने के लिए क्या शावनी और अमेय कुइयां के पानी का उपयोग फिर से कर सकते हैं? उन्हें क्या करना चाहिए, यह तुम बताओ। अर्थात यहाँ प्रश्न दिया गया है कि भाई शावनी और अमेय को क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर भी आपको खुद बताना है। तो शावनी और अमेय के घर में नल से पानी आता है, इसलिए पूर्व काल में उपयोग में लाए जाने वाली कुइयां का पानी अब उपयोग में नहीं किया जाता है। तो इसका आप उत्तर दे सकते हैं कि शावनी और अमेय को क्या करना चाहिए। कुइयां का उपयोग करना चाहिए, उस कुएं से भी पानी को हमें निकालना चाहिए। पानी संचयन की नवीन व्यवस्था, नई व्यवस्था देखिए बांध है। अब पानी को संगठित एकत्रित करने के लिए इस तरह से देखिए ये बांध बनाया गया है और ये बांध बना करके पानी को यहाँ रोका गया है। यह पानी संचयन की नवीन व्यवस्था है। पानी संचयन की नवीन व्यवस्थाओं में से प्रमुख व्यवस्था बांध है। बांध के निर्माण द्वारा पानी का अधिक मात्रा में संचय होने लगा। अधिक पानी मिलने के कारण फसलों की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी, महानगरों की संख्या बढ़ गई और कारखाने खड़े किए जा सके, विद्युत उत्पादन भी संभव हुआ। महाराष्ट्र में जायकवाड़ी, कोयना, उजनी, एलदरी जैसे अनेक बड़े बांध हैं। महाराष्ट्र में जायकवाड़ी, कोयना, उजनी और एलदरी जैसे अनेक बड़े बांध हैं। ये बांध वास्तव में कहाँ हैं, उन्हें अपनी पाठ्यपुस्तक के राज्य के प्राकृतिक मानचित्र में आपको खोजना है और इन बांध के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो आपको पता है कि महाराष्ट्र में जायकवाड़ी बांध, ये बाल भारती की पुस्तक में भी ये पाठ का नाम ही है, जायकवाड़ी बांध। अगला मुद्दा देखते हैं, बेधन कुएं। जमीन के अंदर के पानी का उपयोग करने के लिए पहले कुएं अथवा कुइयां खोदी जाती थी, परंतु उनसे भी यदि गहराई वाले पानी का उपयोग करना संभव नहीं था। बिजली का उपयोग प्रारंभ होने पर पंप द्वारा अधिक गहराई में स्थित पानी उलीचा जा सकता है, इसलिए अब बेधन कुएं
या बोरवेल खोदे जाने लगे हैं। बेधन कुएं अर्थात बोरवेल, ये कुएं बहुत गहरे होते हैं परंतु उनका घेरा बहुत ही छोटा होता है। आगे हम देखते हैं, थोड़ा सोचो, तुम जहां रहते हो क्या उस क्षेत्र में पानी के संचय की पुरानी विधियां हैं? इसकी जानकारी प्राप्त करो। अब ऐसे पानी का उपयोग कैसे किया जा सकेगा इस पर सोचो। नदियों, बांधों, कुओं और तालाबों इत्यादि जल भंडारों को पानी कहाँ से मिलता है? यह देखिए प्रश्न है कि नदियों, बांधों, कुओं और तालाबों को पानी कहाँ से मिलता है। इसकी जानकारी आपको है कि नदियों, बांधों और तालाबों को पानी जो है ये प्राकृतिक साधन के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से यह पानी प्राप्त होता है। अब देखते हैं हम प्याऊ, प्याऊ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और चित्र दिया गया है। देखिए यहाँ बड़े बड़े मटके लगाए गए हैं, यहाँ जग और गिलास रखा गया है। तो घर से बाहर जाने वालों को प्यास लगने पर पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ स्थानों पर मिट्टी के बड़े घड़ों जिसे कमोरों कहते हैं अथवा मध्यम आकार वाले घड़ों में पानी भरकर पीने के पानी की शोधा की जाती है। इसे प्याऊ या पौसला कहते हैं। इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लिया जाता है। कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसे प्याऊ शुरू करते हैं। इनसे लोगों को पीने के पानी, पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में इनका उपयोग होता है। तो इस तरह से प्याऊ जो है किसी व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग अक्सर गर्मी में होता है। अब आगे देखते हैं, क्या तुम जानते हो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किला बनवाते समय निम्नानुसार सूचित किया था? देखिए, गढ़ पर पहले उदक या पानी की व्यवस्था देखकर ही किले का निर्माण किया जाए। पानी ना हो और उस स्थान पर यदि किले का निर्माण करना आवश्यक हो तो पहले चट्टान तोड़कर तालाब बनाएं। गढ़ पर झरने भी हैं जिससे पानी की आवश्यकता पूरी होती है, तो केवल उतने में निश्चिंत ना हो इसके लिए वैसे स्थान पर संचित पानी के रूप में दो चार तालाब निर्मित करें। उनका पानी खर्च ना होने दें। गढ़ के पानी को बहुत जतन से या सहेज कर रखें। अर्थात इसके माध्यम से बताया गया है कि शिवाजी महाराज ने किला बनवाते समय जो आदेश दिया था कि पानी की आवश्यकता, पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, इसलिए जहां भी किले बनवाए जाए या रहने की व्यवस्था बनाई जाए वहां सबसे पहले पानी की सुविधा की जाए। तो अंत में देखते हैं कि इस पाठ में क्या है, हमने क्या सीखा। इस पाठ में बच्चों पानी संचयन की पारंपरिक विधि, पानी संचयन की आधुनिक विधि और पानी का किफायत से उपयोग, तो इसे सदैव ध्यान में रखना है कि पानी प्राकृतिक संसाधन या संपदा है। सभी सजीव इसका उपयोग करते हैं। हमें इसका भान रखकर पानी का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद देखिए इसमें स्वाध्याय दिया गया है कि पानी का संचयन किस लिए करना चाहिए। पानी का संचयन किस लिए करना चाहिए, तो आपको जानकारी है कि पानी एक प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ दिया गया है। मानव सहित सभी सजीव पानी का उपयोग करते हैं। हमें मिलने वाला संपूर्ण पानी वर्षा से मिलता है और हमारे पास वर्षा के केवल 3 या 4 महीने होते हैं, इसलिए पानी संचित ना करने पर हमें पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा, इसलिए हमें पानी का संचयन करना आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, देखिए घर में
पारंपरिक विधि से पानी किस प्रकार संचित किया जाता है? तो आपको जानकारी है, इसका उत्तर होगा कि पारंपरिक विधि से घर में कम घेरे की छोटी कुइयां खोदी जाती हैं। इन कुइयों में वर्ष भर पानी रहता है। कुइयों में डोलची डालकर उससे पानी निकाला जाता है। इस प्रकार घर में पानी का संचयन किया जा सकता है। तीसरा है, बांध किस पर निर्मित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, बांध नदियों पर निर्मित किए जाते हैं। और अगला प्रश्न है, पानी का उपयोग करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो पानी का उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। पानी का किफायत से उपयोग करने के लिए हमें आदत डालनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। स्नान करते समय या दांत साफ करते समय बिना कारण पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बड़े बर्तन अथवा पीपे में पानी भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि पानी हमें नीचे ना गिरे। घर अथवा पाठशाला में किसी नल, बाल्टी अथवा बर्तन से पानी रिसता हो तो तुरंत उसकी सूचना अभिभावक को या शिक्षकों को देना चाहिए। अर्थात मिला जुला के है, हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जहाँ भी पानी की बर्बादी हो रही है तो उसे हमें रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। और अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का क्या अर्थ है? जल प्रदूषण का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा, देखिए, जल प्रदूषण का अर्थ है पानी की गुणवत्ता का कम होना। धोवन जल, कारखाने का गंदा पानी अथवा अनुपयोगी एवं दूषित पदार्थों से पानी में मिलने से जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। और उसकी गुणवत्ता जो कम हो जाती है उसी को जल प्रदूषण कहते हैं। अगला है, देखिए, जिन क्षेत्रों में पानी की बहुत कमी होती है वहां पानी का संचय कैसे किया जाता है? इस पर विचार करो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इस विषय में सुझाव देना है। पानी का मित व्यय करने के लिए हमें अपने में किन अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए? तो इस प्रश्न का भी उत्तर, पानी का उपयोग करते समय कौन सी सावधानी रखनी है, इसका उत्तर भी हम यही दे सकते हैं कि पानी को हमें क्या करना है, सावधानी से उपयोग करना है, अच्छी आदतें डालना है। जहां भी पानी हो उस पानी का हमें पानी को बर्बाद नहीं करना है। तो इस तरह से क्यों? क्योंकि पानी एक प्राकृतिक संसाधन संपत्ति है और सभी सजीव इसका उपयोग करते हैं। और हमें पानी का उपयोग करते समय ये हमेशा याद रखना है कि इसकी बर्बादी ना हो। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से पानी संचयन की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।